हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो सी लैंग्वेज का है और सी लैंग्वेज में हम सीखेंगे कि हम इंक्रीमेंट कैसे करा सकते हैं। इंक्रीमेंट कराना पहले भी बता चुका हूं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट तो सीखेंगे ही, इसमें हम प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट के बारे में बात करेंगे। तो जो सी लैंग्वेज की फाइल होती है उसकी जो हेडर फाइल होती है वो होती है हैश इंक्लूड stdio.h। तो यहाँ पे लिखा मैंने stdio.h, फिर एंटर प्रेस किया और फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर बनाएंगे मेन फंक्शन। तो यहाँ पे लिखा मैंने int main और इसको क्लोज किया और यहाँ से curly braces को ओपन किया और अब यहाँ पर int टाइप का एक डेटा टाइप ले लेंगे। तो यहाँ लिखा int, ठीक है, और यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ a और इसमें असाइन कर देता हूँ 1, ठीक है। शुरुआती दौर में इसमें हमने 1 असाइन किया है और फिर यहाँ पे while लूप लगा लेता हूँ। while लूप के बारे में पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको while लूप कैसे यूज करना है। और a इज इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने a इज लेस देन 12 कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से कर दिया हमने और यहाँ पे लूप की बॉडी curly bracket से बनती है तो यहाँ curly bracket से लूप की बॉडी बना दी। फिर यहाँ प्रिंट करवाने के लिए लिख दिया, क्योंकि ये सी लैंग्वेज है तो यहाँ पर printf लिखा जाएगा, अगर पाइथन होता तो प्रिंट लिखते, ठीक है। तो ये हो गया, अब यहां पर परसेंट डी करेंगे, ठीक है। परसेंट डी क्यों करेंगे, क्योंकि ये हमने लिया है डेटा टाइप जो यहां पर ये देख सकते हैं ये इंटीजर लिया हुआ है, तो इंटीजर का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो परसेंट डी होता है, दैट्स व्हाई। और यहां पर ए की वैल्यू को करवा देंगे प्रिंट, ठीक है, इतना हमने कर लिया। और देखिए यहां पर जैसे ही आएंगे तो अब देखिए, अब इसे कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, बाद में चल के इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहां कर देंगे ए प्लस प्लस, ठीक है। नॉर्मली इसी स्टाइल में वाइल लूप लगाया जाता है, ठीक है। और अब यहां से क्या करते हैं, फाइल पे जाके, सेव फाइल पे जाके और पर मैं लिखता हूं whi.c, ठीक है, और इसको सेव कर देता हूं। अब यहां से बिल्ड पे चल के इसको कंपाइल करवाते हैं। अगर हमारा प्रोग्राम यहां पर देख सकते हैं एक curly braces छूट गया है, इसको भी क्लोज कर लेते हैं। अब इसको सेव करके फिर इसको यहां से बिल्ड पे जाके कंपाइल करवाते हैं। तो अब ये प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो जाएगा और कंपाइल्ड होने के बाद फिर यहां से बिल्ड पे जाके रन करवा देंगे इसको। तो ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक प्रिंट होकर आ रहा है, बीच में गैप नहीं प्रिंट हो रहा है, तो गैप को प्रिंट कराने के लिए थोड़ा सा यहां पर गैप दे देते हैं हम, ठीक है। और अब इसको सेव करते हैं, तो ये सेव करता आप देख सकते हैं, यहां से इसको दोबारा से कंपाइल करवाते हैं, क्योंकि यहां पे गैप दे दिया है हमने, आप देख ही सकते हैं। और अब रन करवाया तो यहां पे देखिए बीच बीच में गैप भी क्रिएट होकर आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। चलिए इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ये तो पहला एग्जाम्पल रहा, यहां से चल के न्यू फाइल लेते हैं, एम्प्टी फाइल ले लेते हैं और आप दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो ये तो सिंपल तरीके से आप पहले भी जानते होंगे इस चीज को, ठीक है, थोड़ी सी चेंजिंग, अब डिक्रीमेंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो हैश इंक्लूड stdio.h और फिर यहां पर int main फंक्शन बना लिया हमने और अब curly bracket लगाया और फिर यहां पे int टाइप का डेटा टाइप ले रहा हूं और यहां पर a नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूं, इसमें असाइन कर दे रहा हूं मैं 30, ठीक है, 30 असाइन कर दिया इसमें। और अब मैं क्या कहूंगा, while लूप में कंडीशन को चेंज कर रहा हूं, यहां पे while लूप लगाया और आप फॉर लूप भी लगा सकते हैं और यहां पे कह रहा हूं a is greater than, इस बार greater than किया मैंने, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बार greater than किया है और greater than 12 कर दिया है, ठीक है। और ये करने के बाद लूप की बॉडी curly bracket से बना करके फिर printf लिखेंगे, printf और फिर यहां पर चूंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी होता है तो परसेंट डी लिख करके और फिर a की वैल्यू को करवा देंगे प्रिंट, बस इतना ही करना है हमें। एक चीज ध्यान रखनी है, यहां पर गैप हम दे देंगे और फिर इसको क्लोज करके फिर यहां पर a माइनस माइनस, यानी यहां पे देखिए डिक्रीमेंट हो रहा है, माइनस माइनस का मतलब डिक्रीमेंट, घटता जाएगा, पहले बढ़ता जा रहा था, इसके पहले जो प्रोग्राम हमने बनाया आप देख सकते हैं यहां पर, तो यहां पे बढ़ता जा रहा था और अब ये घटेगा, ठीक है। तो अभी इसको दोनों ब्रैकेट्स को क्लोज करते हैं, एक ब्रैकेट छूट गया है तो ये यहां से क्लोज करके फिर इसको अब सेव करने की बारी है। तो यहां पे de decrement .c के नाम से सेव करता हूं इसको, .c लगाना तो अभी C लैंग्वेज के फाइल की एक्सटेंशन होती है। अब यहां पे फाइल पे जाके कंपाइल करवाते हैं, कोई एरर नहीं है तो फाइल हमारा सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया प्रोग्राम हमारा, ठीक है। और ये रन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं 30 के बाद 29 फिर 28 27 26 25 24 23 22 और ये घटते क्रम में चला जा रहा है, इट मींस कि ये डिक्रीमेंट हो रहा है। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं प्री इंक्रीमेंट, तो अभी मैं प्री इंक्रीमेंट करके दिखा रहा हूं वाइल लूप में। तो एक और फाइल ले लेते हैं यहां से एम्प्टी फाइल, ठीक है, और यहां पर हेडर फाइल बना लेते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, और फिर यहां पर int main लगा लेंगे
ये लगा लिया हमने, और यहां पर आएंगे कर्ली ब्रैकेट्स लगा लेने के बाद इंट एक वेरिएबल हम बनाएंगे ए नाम से, और ए में क्या असाइन कर देते हैं, जीरो असाइन कर देते हैं, ठीक है। और फिर यहां पे व्हाइल लूप लगाते हैं, ठीक है, ये व्हाइल लूप लगा लिया। जो बिगिनर होते हैं वो ये सोचते हैं कि अरे कहीं गलती तो नहीं हो रही है, यहां जैसे क्वेश्चन दिया जाता है एमसीक्यू में, जब क्वेश्चन आते हैं तो बहुत दिक्कत होती है उस कंडीशन में। मैं उस चीज को प्रॉब्लम को जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने उस चीज को फेस किया है, तो इस वजह से वीडियो क्रिएट कर रहा हूं। अब देखिए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, प्लस प्लस ए कर दे रहा हूं, ठीक है। अब प्लस प्लस ए कर दिया तो कुछ स्टूडेंट तो ये सोचने लगते हैं कि अरे ये तो गलत है, एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, एरर नहीं आएगा, आपका प्रोग्राम चलेगा, ये सही भी है। अब यहां पे कहां पे कर दिया ग्रेटर देन 5, ठीक है, आई प्लस प्लस लेस देन है और 5 ग्रेटर देन है, ठीक है, ये कर दिया इस तरीके से। अब दोनों सेपरेट दिख रहा है आपको। अब ये इस तरीके से करके और फिर नीचे आएंगे, आप प्रिंट करवा देंगे, तो यहां लिखेंगे प्रिंट एफ, सी लैंग्वेज है तो प्रिंट एफ ही लिखेंगे, और यहां पर परसेंट डील देंगे क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर है जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं, और यहां पे ए लिख देंगे, ठीक है, और टर्मिनेट करके और दोनों ही ब्रैकेट्स को क्लोज कर सकते हैं आप, ठीक है। यहां पे जाके पहले ब्रैकेट को क्लोज किया, फिर यहां पे रिटर्न जीरो कर देते हैं, रिटर्न जीरो, ओके, ये कर दिया हमने। और फिर अब यहां पर एक ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, बॉडी कर्ली ब्रैकेट से बनाते वक्त एक ब्रैकेट छूट गया था जिसकी वजह से ये एरर आ गई, कोई दिक्कत नहीं, इसको सही कर लेते हैं। और यहां से जाकर के इस तरीके से कंपाइल करवाएंगे, तो अब ये कंपाइल हो गया और यहां से रन करवा देंगे, तो ये देख सकते हैं 1 2 3 4 प्रिंट होकर आ रहा है, ठीक है।